तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों स्मार्टफोन कंपनीज जो है हेडफोन जैक को रिमूव करते जा रही है अपने स्मार्टफोन से। तो बहुत लोग बहुत सारा चीज़ थियोराइज किए हैं, पहले हम उसको बता देते हैं। जैसे कि पहला जो रीज़न है कि पहले एप्पल हटाया क्योंकि एप्पल का एयरबड्स आ गया था, एक्सपेंसिव जो एयरबड्स होता है, तो वो जो है सो बेसिकली चाहता था कि लोग हेडफोन की जगह उसके ईयरबड्स को यूज़ करें, तो इसीलिए जो है बेसिकली वो ईयरफोन का जैक हटा दिया। दूसरा रीज़न है कि दूसरे कंपनी उसको देख देख के हटा दिया अपने में से भी, और अपना ईयरबड्स ले आया। जैसे सैमसंग का अपना है, और ही बहुत सारे कंपनी जो है सो अपना ईयरबड्स लेके आ रहा है, ठीक है। ये हो गया रीज़न। और बहुत सारे कंपनीज़ कह रहे हैं कि मतलब ये इसलिए रिमूव किया गया क्योंकि एनालॉग यानी कि जो हेडफोन जैक है जो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, बेसिकली उसका ईयरफोन एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, तो वो जो क्वालिटी प्रोड्यूस करता है वो उतना अच्छा नहीं होता है वायरलेस के मुकाबले। ये भी बहुत सारी कंपनी कर रही है जिसके वजह से रिमूव किया गया। तो ये सब जो है कुछ जो है बातें फेमस हो गई है कि मतलब इसी इन वजह से जो है कंपनी अपना हेडफोन जैक हटा रही है। तो और बहुत कंपनी ये भी कह रही है कि इसके वजह से उनको जो है सो अपने स्मार्टफोन को वाटरप्रूफ बनाने में दिक्कत मतलब सॉरी आसानी हो रहा है, और साथ में जो है उस जो स्पेस हेडफोन जैक घेरता है उस स्पेस का वो कुछ और यूज कर सकता है, मतलब कुछ और यूज़ कर, जैसे कि बैटरी बढ़ा देना या वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं कि मतलब बैटरी बढ़ाना, ये हेडफोन जैक कितना स्पेस घेरता ही है, छोटा सा स्पेस है। हाँ, वाटर रेजिस्टेंट का मान सकते हैं कि वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो यही सब कुछ रीज़न था जिसके वजह से हेडफोन जैक लोग कहते हैं कि हटा दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।